सो वेलकम बैक एवरी वन इन दिस न्यू लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसलेशन डिलीवरी और एक्सटेंशन अब सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ हेडिंग यहाँ से शुरू करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में जो हम देखने वाले हैं चीज़ें वो है सबसे पहले तो डिलीवरी कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हम अच्छा क्वेश्चंस वगैरह भी हम बाद में देख सकते हैं सबसे पहले तो लिख ही लेते हैं बेटर रहेगा ध्यान देना क्या होता है ना इन ऑर्डर टू हेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर फ़ॉरेन करेंसी एक्सपोजर कब आता है जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अलावा भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो फॉरेन करेंसी में जिसमें ट्रांजेक्शन आज हो रहा है लेकिन सेटलमेंट कोई फ्यूचर डेट पे होना है और अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक्सचेंज रेट में बदलाव आया सेटलमेंट के दिन पे तो आपको शायद ज़्यादा पेमेंट या कम रिसिप्ट मिल सकती है और इसी को कहते हैं रिस्क इन ऑर्डर टू हैज द फॉरन करेंसी एक्सपोजर वी एंटर इन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ फॉर एक्स डीलर्स हम फॉर एक्स डीलर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं वेअर इन वी फिक्स द एक्सचेंज रेट टुडे, फॉर फ्यूचर सेटलमेंट बराबर बोल रहा हूँ कि आज से ठीक अगर तीन महीने बाद में बेसिक्स पे जा रहे हम आपको एक लाख डॉलर का पेमेंट करना हो या रिसिप्ट आने वाली हो आप डॉलर खरीदना चाहें या बेचना चाहें उसका रेट आज, आज आप ही फिक्स कर लेते हो आप आज ही फिक्स कर लेते हो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कि मैं डॉलर पचास रुपये में खरीदूंगा तीन महीने बाद या मैं डॉलर पचास रुपये में बेच दूंगा तीन महीने बाद में यह कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेते हो ठीक है फॉर फ्यूचर सेटलमेंट फ्यूचर सेटलमेंट को हम बोलेंगे आगे से ड्यू डेट कोई एक डेट होती है उस दिन के लिए आज ट्रांजेक्शन करा जाता है इन सच सर्कम इन सम सर्कमस्टेंसेस Because of some uncertain or uncontrollable situation, honoring the contract. ऑन ड्यू डेट बिकम्स इम्पॉसिबल मैं बताता हूं क्या होता है इसका मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे टाइम लाइन बना लेता हूँ मान लो आज आपने ट्रांजेक्शन करा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि आप बैंक से एक लाख डॉलर पचास रुपए पर डॉलर की रेट से खरीद लोगे ठीक तीन महीने बाद बेचने का भी करो खरीदने का भी करो कुछ भी करो आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया है यहां पे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट किया है यहां पर सेटलमेंट यहां होना है ड्यू डेट क्या है ये वाली अब अगर ध्यान दोगे तो यहां कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के बाद आप सिर्फ टाइम स्पेंड करे जा रहे हो और तीन महीने बाद आपको पता चल जाता है कि शायद अब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है अब आपको अगर पता चल जाता है कि मैं एक लाख डॉलर नहीं खरीदना चाहता ड्यू डेट पे तो आप क्या करोगे पहले तो हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन कब आती है सबसे पहले हो सकता है आपको ड्यू डेट के पहले ही पता चल जाए कि एक महीने बाद जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं मान लो दो महीने बाद मुझे पता चल गया कि यार एक महीने बाद मेरे को एक लाख डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब उसकी जरूरत नहीं है तो आप क्या करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहोगे पहली बात तो क्यों जरूरत नहीं है बहुत सिंपल सी बात है आपको यहां पता चल गया कि जो सामने वाली पार्टी है ना जिससे हमने माल खरीदा था वो हमें कह रहा है कि आप यहाँ पे पेमेंट मत करो दो महीने बाद पेमेंट करना अभी मैं किसी बहुत ही बड़े केस में फंसा हुआ हूँ अभी अगर आप पैसे दोगे तो मेरे हाथ में आएंगे ही नहीं तो आप पेमेंट ही मत करो मुझे दो महीने बाद करो तो इसका मतलब है कि अगर मुझे सामने वाले को यहाँ इस डेट पे पेमेंट नहीं करना तो इस डेट पर मुझे खरीदना भी नहीं है तो ये एक किस्सा हो गया दूसरा किस्सा ऐसा कि सामने वाली पार्टी ने हमको दस डॉलर या पचास डॉलर का रिबेट दे दिया वेव ऑफ़ कर दिया या सामने वाली पार्टी की डेथ हो गई अब उसे पेमेंट ही नहीं करना किसी भी कारणवश आपको डेट के पहले ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट पे पता चल जाता है कि सर आपको यह खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था बैंक के साथ में या डीलर के साथ में उसे अब कैंसिल करने की ज़रूरत है ठीक है सिचुएशन ऐसी आ सकती है यह है उसका मतलब अब दिस इसको हम लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन कम इन टू पिक्चर बिफोर ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट ड्यू डेट के पहले ही हो सकता है हमें पता चल जाए कि यार एक महीने बाद मुझे डॉलर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अलग अलग सिचुएशन और एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिए या ड्यू डेट पर भी आपको पता चल गया है कि यार मुझे आज पेमेंट नहीं करना हो सकता है मेरे अपने कोई रीजंस हो मेरे पास में रुपए है ही नहीं मैंने प्रॉमिस तो कर दिया था एक लाख डॉलर पचास रुपये में खरीदूंगा मुझे अब यहाँ पे ही पता चल गया पहले ही पता चल गया कि मेरे पास यहाँ पे पचास लाख रुपए है ही नहीं जब आपके पास में रुपए ही नहीं होंगे तो आप डॉलर कैसे खरीदोगे नहीं खरीद पाओगे ना तो आपको क्या करना है वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था या तो उसे कैंसिल कर दो या तो उसे एक्सटेंड कर दो एक्सटेंड कर दो मतलब बैंक को बोलो कि यार यहाँ पर ना खरीदते हुए एक महीने और बाद आऊँगा मैं ख़रीदने के लिए सो आप तीन चीज़ें कर सकते हो सर सबसे पहले जो प्रॉमिस किया था वो ऑनर कर दो आपको खरीदना है खरीद लो एक लाख डॉलर खरीदने बोला था आप खरीद लो या हो सकता है आप ना खरीदो या हो सकता है आप एक्सटेंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट को कि मैं खरीदूंगा लेकिन बाद में ठीक so, है सो दो तीन चीजें पॉसिबल है यहां पे दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन कम इन टू पिक्चर बिफोर ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट इन एंड दस We may want to cancel the original contract, cancel or extend the original contract in such cases. दी फेडाई रूल्स विल बी अप्लीकेबल फेडाई का फुल फॉर्म क्या है सर आपने एम सी क्यूज में देखा था फॉरिन एक्सचेंज डीलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ठीक है सो ये फेडाई के रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे ऐसे केसेस में so, दो तीन चार चीजें जो हमने लिख ली है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना कुछ अनसर्टन या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन होती है जहाँ पे ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इंपॉसिबल और ऐसी सिचुएशन आपको बिफोर ड्यू डेट या ऑन ड्यू डेट भी आ सकती है ऐसे टाइम पे हम हो सकता है कैंसिल या एक्सटेंड करना चाहें कॉन्ट्रैक्ट को कभी कभी सिचुएशन क्या आती है पता है क्या मैं आपको ये भी बता रहा हूँ मतलब हम क्या करते हैं सारी सिचुएशन को ना एक टेबल में लिख लेते हैं नौ तरह की सिचुएशन है सबसे पहले तो आप डिलीवरी करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो या एक्सटेंड करना चाहते तीन हो तीन चीज़ें होगी सर देखो तो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हम ना एक टेबल में फ्रेम कर लेते हैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है फिर मैं एक एक करके आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा चलो बहुत बढ़िया टेबल बन गया अब सिचुएशन देखो क्या क्या आएगी सबसे पहले तो क्या हो सकता है एक बार ज़रा सोचो आंखें बंद करके कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था या तो मैं डॉलर खरीदूंगा या तो मैं डॉलर्स बेचूंगा वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे फॉरेन करेंसी आएगी और वो फ़ॉरेन करेंसी मैं बेचना चाहूँगा सेल फॉरेन करेंसी तो ऐसे केस में मैं सेल करना चाहूँगा प्रॉमिस टू सेल फॉरेन करेंसी ठीक है अगर मैं इम्पोर्टर हूँ तो मैंने माल मंगाया है मुझे फ्यूचर डेट पे कोई फॉरेन करेंसी पेमेंट करना है पेबल है ना मैं पार्टी को पेमेंट करूँगा मार्केट में खरीद के सो आई वांट टू बाय दैट फॉरेन करेंसी और इसके लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ मैं दोनों चीज़ों के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ सो वी टेक द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि मैं ड्यू डेट पे फॉरेन करेंसी को या तो बेचूंगा या तो मैं खरीदूंगा बट ड्यू टू सर्टन सर्कम्स्टेंसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू इट मे और मे नॉट बिकम पॉसिबल फॉर यू टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट ऑनर का मतलब है कि ड्यू डेट पे बेचना या खरीदना जो बोला था वो करना पॉसिबल शायद ना हो तो ऐसी सिचुएशन में फेडाई के रूल्स अप्लीकेबल होते हैं तो पहली चीज़ हम लेते हैं कि अगर हमको खरीदना ही है या बेचना ही है डिलीवरी डेट पे तो वो एक सिचुएशन आ गई कि चलो जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज ऑन ड्यू डेट और वो पहला पार्ट है डिलीवरी डिलीवरी लेना या डिलीवरी देना अगर आप फॉरेन करेंसी बेच रहे हो तो उसे बोलते डिलीवरी देना और अगर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो तो उसे बोलते डिलीवरी लेना ठीक है तो ये एक सिचुएशन है सबसे सिंपल पार्ट है ये वाला कि आप जो बोला वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर कर रहे हो इसके अलावा सारी सिचुएशन जो है इट्स इसके एग्जैक्ट अपोजिट है कि जो बोला वो आप नहीं कर रहे हो ठीक <laughs> है तो मैं डिलीवरी वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहला पार्ट कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया आ, ब्लैक में ले लेते हैं इसको थोड़ा सा एक ना कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तो सही रहेगा यहाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एक दो कि आप ठीक तीन महीने बाद में डिलीवरी ले लोगे सो so, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दिस इज़ ड्यू डेट सामान बेचने की और ख़रीदने की अब उसके हिसाब से देखो और आपने यहाँ पे डिलीवरी देनी है ड्यू डेट पे आपने अगर डिलीवरी देनी है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो बोला वो करना सिंपल आपने बोला एक लाख डॉलर में ड्यू डेट पे खरीदना चाहता हूँ पचास रुपये के भाव से ड्यू डेट आएगी आप एक लाख डॉलर खरीदोगे आपकी आपका कैश फ्लो क्या होगा कि एक लाख डॉलर आएगा पचास लाख रुपये जाएगा सिंपल इसके अलावा क्या क्या हो सकता है सर ये सिचुएशन आ सकती है कि आपको बिफोर ड्यू डेट डिलीवरी देना पड़े या लेना पड़े ये दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ध्यान देना अब मैं ये यहां ले लेता हूँ सेम चीज है बस फर्क क्या है पता है कि इस पॉइंट पे आके आप डिलीवरी यहां देना चाहते हो क्यों आपको करेंसी बेचनी हो या खरीदनी हो आप ठीक यहां पे आए और आपको लगता है कि यार मुझे ना आज ही पेमेंट करना है या आज ही बेचना है फॉरेन करेंसी इसको बोलते अर्ली डिलीवरी अर्ली डिलीवरी खरीदना हो या बेचना हो दोनों के लिए अप्लीकेबल है मैं आगे से जो भी बात करूंगा अगर मैंने सेल भी बोला मान लो फॉरेन करेंसी या बाय भी बोला इसका मतलब मैं दूसरी बात भी कर रहा हूँ दोनों इंक्लूडेड है हो सकता है कि मेरे को सामने वाली पार्टी ने बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिया हो इम्पोर्ट पर मैंने माल मंगाया मुझे पेमेंट करना है एक लाख डॉलर का तो हो सकता है कि उसने मेरे को दो परसेंट का डिस्काउंट दिया अगर यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूँ तो वो भी बाद में दिया इस डेट को देता तो मैं शायद कॉन्ट्रैक्टिव ऐसा बनाता लेकिन उसने शायद एक महीने बाद ही बोल दिया कि यार अगर आप इस डेट पे पेमेंट कर देते हो एक महीने पहले पेमेंट कर देते हो ड्यू डेट के तो मैं आपको दो का डिस्काउंट दे देता हूँ नाइन्टी ही पेमेंट करो अब मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो स्कीम और मैं चाहता हूँ कि यहीं पर पे पेमेंट करके सेटल कर दूँ तो अब मैं क्या करूँगा दिस इज़ द केस ऑफ अर्ली डिलीवरी दिस इज द केस ऑफ अर्ली डिलीवरी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लाख डॉलर की अब जरूरत नहीं है ड्यू डेट पे मुझे ज़रूरत है एक लाख डॉलर की यहाँ पे तो ऐसे केस में क्या करना ये मैं आपको बताऊंगा ये हो गया अपना दूसरा पार्ट इसको दूसरा मतलब एक दो तीन चार पाँच छठवा पार्ट लेना क्योंकि हम सिक्स पोजिशन पे डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट ठीक है अब एक चीज और पॉसिबल है कि आपको नहीं लगता एक दो तीन चार पाँच छः सात कभी कभी सिचुएशन हमारे पे ऐसी भी आ सकती है कि हम ना ना पहले पैसे दे सकते ना बाद में हम आखिरी में आते हम आते ही लेट है डिलीवरी के लिए आप ड्यू डेट पे गए नहीं दिन भी चला गया जिस दिन आपको परचेज़ करके ख़त्म करना था लेकिन आप ड्यू डेट पे बैंक के पास गए नहीं एक लाख डॉलर खरीदने के लिए और आप यहाँ पे उस दिन यहाँ पे पहुँचते हो थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ क्या हुआ सिचुएशन देखो मैं बताता हूँ आपको तीन महीने बाद में डॉलर खरीदना था एक लाख पचास रुपये के भाव से ड्यू डेट आई और आप बैंक गए ही नहीं भूल गए किसी भी कारणवश आपने किया डिफॉल्ट ड्यू डेट तक अगर आपने एक्शन नहीं लिया पहले या ड्यू डेट तक एक्शन नहीं लिया तो इसको बोलते डिफॉल्ट करना डिफॉल्ट किया ठीक ड्यू डेट के पंद्रह दिन बाद या दो दिन बाद कोई भी एक दिन दो दिन पंद्रह दिन बाद में आप बैंक गए और बोला कि अब मैं खरीदूंगा है तो डिलीवरी ध्यान देना सर है तो डिलीवरी खरीदना बोला तो खरीद रहे हो लेकिन ड्यू डेट के बाद खरीद रहे हो इसको बोलते आफ्टर ड्यू डेट क्या हुआ सर आफ्टर ड्यू डेट यू वांट टू डिलीवर डिलीवर का मतलब ड्यू डेट के बाद आप मार्केट में जाते हो बैंक में जाते हो और बोलते हो कि मुझे ख़रीदना है डॉलर या मुझे बेचना है डॉलर दिस इज़ अ केस ऑफ अ डिफॉल्ट ये सातवें पोजीशन पे डिस्कस करेंगे ध्यान देना सर अब बहुत ही बढ़िया सी चीज़ चलने वाली है मार्केट में ठीक है तो ये सारे किससे हो गए सर डिलीवरी वाले कभी कभी क्या होता है एक और सिचुएशन बताता हूँ आपको मैं कभी कभी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक तीन महीने बाद में डिलीवरी होनी थी ठीक है ठीक तीन महीने बाद डिलीवरी होनी थी लेकिन ड्यू डेट भी आ गई और आज आपने लॉजिकली स्पीकिंग 50 लाख रुपए दे के पचास लाख रुपए दे के एक लाख डॉलर खरीदना बनता था आज ड्यू डेट के दिन आपको पता चलता है कि आपको डॉलर नहीं खरीदना क्यों क्योंकि ड्यू डेट के दिन आपके पास शायद पैसे नहीं है डॉलर खरीदने के शायद सामने वाले को पेमेंट नहीं करना किसी भी कारणवश आपको डॉलर नहीं खरीदना सो दिस इज अ केस ऑफ कैंसलेशन यू डोंट वांट डोंट वॉन्ट टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट दिस इज अ केस ऑफ कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट ठीक है कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट हम इसको बोलेंगे कैंसलेशन इसका स्पेस बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम दे दो बस ये आगे सिचुएशन आपकी कैंसलेशन वाली कैंसिल कर रहे हो सर आप ड्यू डेट पे इनफैक्ट ये कैंसलेशन सिर्फ ड्यू डेट पे ही नहीं हो सकता है तीसरी सिचुएशन थोड़ा नीचे ले लेते हैं आपको इस कैंसलेशन के बारे में पहले ही पता चल जाए नहीं हो सकता हो सकता है सर आपको लग रहा है कि यार मुझे कैंसल ना ड्यू डेट के पहले ही करना है आपने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि ठीक तीन महीने बाद में एक लाख डॉलर पचास रुपए के रेट से खरीद लूंगा दो महीने कंप्लीट होने के जस्ट बाद पता चल जाता है कि अबे मेरे पास तो आज से ठीक एक महीने बाद पचास लाख रुपए होंगे ही नहीं तो मैं डॉलर नहीं खरीदूंगा हो सकता है कि मैंने आज ही सेटलमेंट कर दिया या हो सकता है कि मुझे पेमेंट करना ही नहीं सामने वाले पार्टी की डेथ हो गई किसी भी कारण की वजह से आपको अब वो एक लाख डॉलर नहीं खरीदने और ये यहीं पर पता चल गया ड्यू डेट के जस्ट एक महीने पहले आपको पता चल गया कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करना इसको बोलते सर अर्ली कैंसलेशन क्या कहेंगे इसको अर्ली कैंसलेशन समझ रहे हो ड्यू डेट पे कैंसलेशन और अर्ली कैंसलेशन में क्या डिफरेंस है टाइमिंग का इनफैक्ट सर इतना भी नहीं हो सकता है कि आप इतने इन्सिबल पर्सन निकले एक दो चार पाँच छ सात आठ ठीक है यह आठ हुई पोजिशन पर डिस्कस करेंगे अब देखो इसमें क्या होता है <coughs> आपने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक तीन महीने बाद में एक लाख डॉलर खरीद लूँगा पचास रुपये के रेट से लेकिन होता क्या है कि ये डेट भी चले जाती है दो महीने की ड्यू डेट भी चली जाती है लॉजिकली आपने उस दिन बैंक जाके पचास लाख रुपए देके के एक लाख डॉलर खरीद लेना चाहिए था लेकिन आप भूल गए आपने किया डिफॉल्ट ड्यू डेट के बाद जाना यानी कि सबसे इरिस्पॉन्सिबल काम हो गया आपका कर्तव्य बनता था कि या तो पहले या तो ड्यू डेट पे बैंक को बता दो कि आपको नहीं खरीदना नहीं खरीदना है तो आपको अपना वादा अगर नहीं निभाना है तो बट आप अगर ड्यू डेट के बाद जाते हो पहले तो डिफॉल्ट किया और उसके बाद बोलते हो कि मुझे कैंसिल करना है ख़रीदना नहीं है सो देर इज़ अ डिफरेंस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस एक्शन एंड दिस एक्शन दोनों ड्यू डेट के बाद है लेकिन ये ड्यू डेट के बाद जाके मैं एक्चुअल में खरीदना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं यहां मैं ड्यू डेट के बाद जाके ना खरीदना चाह रहा ना बेचना चाह रहा मुझे कैंसल करना है राइट right टिक का मतलब है कि आई एम ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस टिक का मतलब आई एम कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये हो गया कैंसलेशन आफ्टर ड्यू डेट तो यह हम आठवें पॉइंट पर डिस्कस करेंगे ये हो गया सर आपका सातवा सातवा नहीं तीसरा पॉइंट और ये हो गया आपका आठवा पॉइंट ठीक है ना अब अब नेक्स्ट चीज क्या पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ छः हो गए आपके ठीक है द नेक्स्ट पॉसिबल थिंग इज दिस हो सकता है कि ध्यान देना क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट कि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक तीन महीने बाद आप एक लाख डॉलर खरीदोगे पचास रुपये के भाव से पचास लाख रुपए देके लेकिन ड्यू डेट आने के बाद उसी दिन आपको पता चलता है कि आप सर उस दिन नहीं खरीदना चाहते आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हो यू आर यू आर नॉट एबल टू बाय डॉलर्स ऑन दैट डेट एंड दैट्स वाई व्हाट यू वॉन्ट टू डू इज यू वॉन्ट टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये मैं थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ दो मिनट देना क्योंकि एक बार कर लूंगा तो उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम्म ठीक है अब आप ड्यू डेट पे जाने के बाद बोलते हो कि सर मुझे आज से ठीक एक महीने का एक्सटेंशन चाहिए और मैं एक महीने बाद खरीद लूँगा दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंशन और एक्सटेंशन के केस में आप क्या कर रहे हो सर आप ऑनर तो करोगे आप ऑनर तो करोगे लेकिन एक महीने बाद एक महीने बाद के डेट के लिए आपने परमिशन मांगी है इस डेट पे ऑनर करने के लिए लेकिन ये परमिशन या ये एक्सटेंशन आप कब चाहते हो जिस दिन आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो रहा है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो रहा है उस दिन यू वांट टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट बाय वन मोर मंथ दिस इज़ अनदर सिचुएशन उसके बाद दसवीं सिचुएशन आएगी आपकी दसवीं नहीं सॉरी ये नौ नंबर नहीं आएगा ये आएगा सर आपका एक दो तीन चार नंबर अब आएगा पाँच नंबर मैं नंबरिंग आगे पीछे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ ये नंबरिंग शो करती है कि कौन से टाइम पे हम क्या डिस्कस करने वाले हम सबसे ईजी पॉइंट से शुरू करते हुए डिफिकल्ट पॉइंट तक जाएंगे अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ना ठीक दो महीने बाद ही पता चल गया कि आप ड्यू डेट पे नहीं खरीदने वाले डॉलर सो दो महीने बाद ही यू वांट टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट तो ये यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको एक महीने से एक्सटेंशन चाहिए था यहां पे और यहां देखो यहां आपको दो महीने से एक्सटेंशन चाहिए दोनों केस में ड्यू डेट जो नई वाली डेट है जिस दिन आप ऑनर करना चाहते हो वो सेम है लेकिन क्योंकि आप ये एक महीने पहले ही एक्सटेंशन मांग रहे हो इसलिए यहां से ठीक दो महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा एक्सटेंशन इज स्टिल एक ही महीने का एक्सटेंशन है ड्यू डेट से ही एक्सटेंशन मिलेगा तो एक्सटेंशन एक ही महीने का है लेकिन एक महीना पहले मांग रहे हो ठीक है ये हो सकता है आपको इस दिन ही पता चल गया कि यार मेरे पास ना पचास लाख रुपए नहीं जमा हो सकते ड्यू डेट पे एक लाख डॉलर खरीदने के लिए मुझे और एक महीने का समय चाहिए तो बैंक के पास जाता हूँ बोलता हूँ कि सर मैं नहीं आ सकता इस पॉइंट पे आपसे डॉलर खरीदने प्लीज़ अलाउ मी सम एक्सटेंशन एटलीस्ट फॉर वन मंथ तो आप अर्ली एक्सटेंशन चाहते हो अर्ली डेट पे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन चाहते हो ये है सर आपका एक्सटेंशन वाला केस जहां पे आप ऑनर तो करना चाहते हो लेकिन उस दिन नहीं आगे की डेट पे तो यह हो गया ड्यू डेट पे एक्सटेंशन चाहते हो यह हो गया सर अर्ली डेट पे एक्सटेंशन चाहते हो और लास्ट आइटम है आपका लेट एक्सटेंशन यानी कि एक तो आते भी बाद में हो और, और आगे के लिए देखो अब यह लेट एक्सटेंशन कैसे लिखेंगे होता क्या है कि मेन डेट चले जाती है अर्ली डेट भी गई ड्यू डेट भी गई और आप ना कहीं पे यहाँ पे आते हो एक महीने या एक दिन बाद आते हो और बोलते हो कि सर मुझे चाहिए एक्सटेंशन आपने मांग लिया अब एक्सटेंशन और उस दिन भी एक महीने बाद का एक्सटेंशन मांग रहे हो आप तो इसे कहते हैं सर लेट एक्सटेंशन एक तो ड्यू डेट के बाद आए तो बहुत ही इिस्पॉन्सिबल काम किया आपने ड्यू डेट के बाद आना और बाद आने के बाद में आप डिलीवरी नहीं देना चाहते ना ही कैंसिल करना चाहते हो आप चाहते हो कि मुझे और एक महीने का एक्सटेंशन मिल जाए दिस इज़ कॉल्ड एज लेट एक्सटेंशन ड्यू डेट के बाद एक्सटेंशन तो ये है सर आपकी नौ अलग अलग सिचुएशन इसके अलावा आपकी कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती या तो आप लोगे या तो नहीं लोगे डिलीवरी खरीदोगे या तो नहीं खरीदोगे या तो आप खरीदोगे किसी आगे की डेट पे आपको लग रहा होगा कि अब हम पीछे की डेट पे ख़रीद लेते अगर आपने आगे की डेट इस तीनों केस में आपने आगे की डेट ली पीछे की डेट भी तो हो सकती है ये पीछे की डेट यहाँ पे आ जाती है अर्ली डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट डिलीवरी तो यहाँ पे आ जाती है सो इट्स ओके इसमें कवर हो जाता वो इसी को अर्ली डिलीवरी में आ गया वो सो so एक्सटेंशन का मतलब है आगे डेट बढ़ाना आप ड्यू डेट के पहले ही बोल दो कि भैया ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर सकता उसके एक महीने बाद करूंगा दैट इज कॉल्ड एज बिफोर ड्यू डेट डिल एक्सटेंशन ड्यू डेट के दिन एक्सटेंशन मांग रहे हो तो ड्यू डेट पे एक्सटेंशन ड्यू डेट के बाद एक्सटेंशन मांग रहे हो तो लेट एक्सटेंशन इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है सर एक चीज़ ये भी नोटिस करना ठीक है इस सिचुएशन को शॉर्ट में कहा जाता है अर्ली और इस सिचुएशन को शॉर्ट में कहा जाता है लेट सो ध्यान देना दिस इज अर्ली डिलीवरी अर्ली कैंसलेशन अर्ली एक्सटेंशन ड्यू डेट पे डिलीवरी ड्यू डेट पे कैंसलेशन ड्यू डेट पे एक्सटेंशन लेट डिलीवरी लेट कैंसलेशन लेट एक्सटेंशन ऐसा है सर पूरी कहानी और हम इस सीक्वेंस में डिस्कशन करने वाले हैं जिस सीक्वेंस में मैंने नंबरिंग लिखी है इसलिए आगे पीछे नंबरिंग आपको दिखेगी और आपकी ये सारी सिचुएशन मैंने यहाँ पे कवर कर ली तीन ड्यू डेट पे ड्यू डेट अर्ली लेट कै डिलीवरी फिर कैंसलेशन भी ड्यू डेट अर्ली लेट एक्सटेंशन भी ड्यू डेट अर्ली लेट एक एक करके डिस्कस करते हैं और क्या होगा हर केस में क्या करना है फेडाई के रूल्स क्या कहते हैं फेडाई के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है लेट वाले केस में यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले जो केसेस है ड्यू डेट वाले या लेट डिलीवरी कैंसिलेशन एक्सटेंशन ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट <coughs> है सबसे इजी वाला पार्ट जो है वो है ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें और कुछ करना ही नहीं होता जो बोला है बस उतना करना होता है कि भैया मैं ख़रीदने वाला हूँ तो खरीदो मैं बेचने वाला हूँ तो बेचो इसके बाद का जो लेवल है ईज़ीनेस के हिसाब से वो है ये ये आपको इजी जाएगा इसके बाद मतलब पहले वाले से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसके बाद और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल अगर मैं बताना चाहूँ तो वो आएगा ये पाँच और छः चार सो so, सबसे पहला फिर दूसरा तीसरा फिर चौथा पाँचवा उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज़ दिस सिक्स वाला ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा और सात आठ नौ तो हम डिस्कशन भी ऐसे ही करेंगे टोटल मिला के डिस्कशन कितना होगा सर पहला वाला इसके लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसके बाद इसके लिए एक इसके लिए एक दो इसके लिए एक तीन और इन तीनों के लिए एक चार ये चार चीज़ें हैं पहला मतलब दूसरा और तीसरा पार्ट समझे बगैर आप चौथा पाँचवा नहीं समझ सकते दूसरा तीसरा चौथा पाँचवाँ समझे बगैर आप छठवा नहीं समझ सकते और छठवा समझे बगैर आप सात आठ नौ नहीं समझ सकते तो सीक्वेंस यही है सर क्योंकि दूसरे तीसरे की चीज़ ये चौथे पाँचवें में काम आने वाली है दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें की चीज़ छठवें में काम आने वाली है सिक्स वाली चीज़ आपको सात आठ नौ में काम आने वाली है तो धीरे धीरे आप एक एक लेवल बढ़ाते जाओगे सबसे पहले शुरू करते हैं सर डिलीवरी ड्यू डेट पे और करेंगे कैसे हम सीखेंगे कैसे सर हम एक एक कॉन्सेप्ट लेते जाएंगे उन नौ में से और उन पर क्वेश्चन करते जाएंगे तो प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट साथ साथ में निपटता जाएगा सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट डिलीवरी ऑन ड्यू डेट दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड Contract as you will honor the contract as agreed on due date. इसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन <coughs> नंबर कौन सा है मैं दिखा देता हूँ अब हम फॉरिक्स वाले चैप्टर में अगर आप कॉन्सेप्ट शीट में आओगे तो यहाँ से शुरू होता है सर क्वेश्चन नंबर एटी थ्री से ध्यान देना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी ऑन ड्यू डेट उसके बाद कैंसलेशन चालू हो रहा है ठीक है उसके बाद देखो कैंसलेशन ख़त्म होएगा तो एक्सटेंशन शुरू होगा एक्सटेंशन ख़त्म होगा तो अर्ली डिलीवरी शुरू होगा उसके बाद में ये लेट डिलीवरी के तीन क्वेश्चन फिर अपना तीन क्वेश्चन नोस्त्र वोस्त्रो लोरो पे है और तीन चार पाँच क्वेश्चन है और कहानी ख़त्म चलो आते हैं सबसे पहले 83 नंबर पे अब ये आपके क्वेश्चंस ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो इतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगेगा ये देखो ऑन जून वन क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ते हैं सर स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा ऑन फर्स्ट जून टू बैंक ने एंटर किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर टू मंथ्स आफ्टर सेलिंग वन lakh डॉलर्स एट सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव ज़ीरो फॉर सेलिंग वन लैक डॉलर एट सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव ज़ीरो एक चीज़ जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि आपको बैंक के एंगल से देखना है कस्टमर के एंगल से नहीं कोई भी पार्टी क्या करना चाहती है वो छोड़ दो द एंगल विल बी बैंक्स एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं ऊपर में लिख रहा हूँ बैंक के एंगल से आप देखोगे बैंक खरीद रहा है या बेच रहा है ठीक है ठीक है आगे देखो एक जून 2015 को बैंक ने एंटर किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग वन लाख डॉलर एट सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो ये बैंक का आस क्रेट होगा अगर टू वे कोट हम इमेजिन करें तो ये आस क्रेट होगा डॉलर वाली बेस करेंसी में क्योंकि बैंक बेचना चाहता है डॉलर ठीक है आगे ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन अब एक जून दो हज़ार पंद्रह से अगर आप दो महीने कैलकुलेट करो तो पूरा जून और पूरा जुलाई सो थर्टी फर्स्ट जुलाई दो हजार पंद्रह आता है ठीक है स्पॉट रेट मार्केट में ये दिए हुए थे कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द कस्टमर्स अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है अब आप बताओ बहुत सिंपल सी चीज़ है सर क्वेश्चन नंबर एटी थ्री क्वेश्चन बोलता है कि दो महीने पहले ही कस्टमर हमसे एग्रीमेंट कर चुका है कि वो एक लाख डॉलर ध्यान देना सर एक लाख डॉलर खरीदेगा सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो के रेट से एग्रीमेंट हो गया यहाँ पे ज़ीरो टाइम पे अब दो महीने बाद मार्केट में वो हमसे खरीदेगा हम उसे बेचेंगे हम बैंक है ठीक है वो खरीदेगा तो वो खरीदेगा अब थर्टी फर्स्ट जुलाई को मार्केट में स्पॉट रेट आपको दिए हुए थे सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव वैसे ये आस्क होना चाहिए ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता अब ध्यान देना क्वेश्चन ये पूछता है कि इस डेट में बैंक कस्टमर के अकाउंट से कितने रुपए निकालेगा ध्यान देना सर इस रुपए का कोई लेना देना नहीं है स्पॉट रेट का क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कस्टमर यहाँ पे डिलीवरी लेने के लिए तैयार है ये रेट एग्री हुआ था तो इतना ही पैसा जितना एग्री हुआ था उतना डेबिट होगा तो क्वेश्चन का आंसर होगा बैंक विल डेबिट रुपीज सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव लैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ एक लाख एट सिक्सटी फाइव पॉइंट एट द फॉरवर्ड रेट एग्रीड विथ कस्टमर या क्लाइंट सिंपल डिलीवरी ऑन ड्यू डेट है तो क्या होगा कस्टमर बैंक को पैंसठ लाख पचास हज़ार रुपये दे देगा हम बैंक के नाते पैंसठ लाख पचास हज़ार रुपये ले लेंगे और एक लाख रुपये एक लाख डॉलर बेच देंगे कहानी ख़त्म ये है सर डिलीवरी ऑन ड्यू डेट यहाँ पे खैर आपको तो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन ख़त्म आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी की तरफ उसके पहले क्वेश्चन नंबर एट्टी के पहले अब मैं ले लेता हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट ये था डिलीवरी ऑन ड्यू डेट कुछ भी करना है क्या डिलीवरी ऑन ड्यू डेट बहुत सिंपल है सर इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है समझने की ज़रूरत नहीं है आपने बोला अगर आ, कस्टमर अगर हमसे ख़रीदना चाहता है तो हम बेचेंगे हुँ. अगर हमको बेचना चाहता है तो हम खरीद लेंगे जितना भी रुपए लेन देन है वो लेन देन करो कहानी ख़त्म करो एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो रहा है जो प्रॉमिस किया था वादा किया था वो निभाया जा रहा है तो निभाने दो पैसे के लेन देन करके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो अब सेकेंड किस्सा है सर कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट देखो क्या होता है मान लो कि कस्टमर एग्री करता है इस पॉइंट पे एक लाख डॉलर हमसे खरीदेगा हमसे खरीदेगा रेट एग्री हुआ मान लो पचास रुपए का तो कस्टमर बाय करना चाहता है हमने उसके साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉरवर्ड सेल बैंक के एंगल से पूरा क्वेश्चन तो फॉरवर्ड सेल किया यानी हम उसे बेचने वाले हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अब कस्टमर क्या करता है इस पॉइंट पे आता है और बोलता है कस्टमर इस पॉइंट पे आता है और बोलता है कि मुझे नहीं खरीदना हमारे साथ उसने फॉरवर्ड बाय कर लिया था उसके लिए फॉरवर्ड बाय है हमारे लिए फॉरवर्ड सेल है वो बोलता कि मुझे नहीं खरीदना मुझे कैंसिल करना है तो एक चीज़ समझ लो कैंसलेशन के टाइम पे ऐसे कैंसिल नहीं होता कि ठीक है मत खरीद ठीक है मत खरीद नहीं होता कभी भी आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर स्टॉक एक्सचेंज पर आपने लॉन्ग पोजिशन ली है शेयर्स में तो इस पोजिशन को कैसे कैंसिल करते हो इस पोजिशन को कैंसिल करते हो शॉर्ट लेके यानी कि आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो अब वो कैंसिल सिर्फ तभी हो सकती है जब आप उसे बेचोगे खरीदा है तो बेचो बेचा है तो खरीदो बहुत सिंपल सी बात है तो अब अगर कैंसलेशन करना है तो उस पार्टी को अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा कस्टमर को हमारे साथ में अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा और हमने जो किया उसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे उसके साथ में यानी कि फॉरवर्ड सेल था तो अब हमने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कैंसलेशन के लिए हमको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ठीक है पहली चीज द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अपोजिट पहला रूल बना लेते हैं सर थिंग्स टू रिमेंबर यह सही रहेगा टू थिंग्स टू रिमेंबर टेक अपोजिट पोजिशन टू कैंसल एनी कॉन्ट्रैक्ट दूसरा एक्सपायरी ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से दो कॉन्ट्रैक्ट्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन के लिए जो नया कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ रहा है शुड बी सेम दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम डे पे एक्सपायर होने चाहिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको ये फ्यूचर्स आपने खरीदा मान लो आपने यहाँ पे बाय किया फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ और ये एक्सपायर हो रहा है थर्टी फर्स्ट मे मे को ठीक है और ये है थर्टी फर्स्ट मे अब आप मुझे बताओ इस पोजीशन को अगर आपको यहाँ पे क्लोज करना है तो आप क्या करोगे आप सेल करोगे फ्यूचर्स पहली बात तो और कौन सा फ्यूचर कोई भी फ्यूचर सेल करने से नहीं बात बनेगी वही फ्यूचर जो थर्टी फर्स्ट मे को एक्सपायर हो रहा है यानी कि होगा ये कि ये वाली पोजीशन यहां पे क्लोज हो रही है और ये वाली पोजीशन यहां पे क्लोज हो रही है दोनों का एक्सपायरी सेम होना चाहिए और पोजीशन अपोजिट होना चाहिए अब मेरे पास मान लो दो मर्सिडीज गाड़ी है ठीक है ध्यान देना जैसे भी है आपको चक्के लगा लो इसको थोड़ा सा ढंग का ही बना देते हैं चलो अब आपके पास में दो मर्सिडीज गाड़ी है एक है मर्क वन एक है मर्क टू अब बताओ अगर आपने ये खरीदा है तो ये बेचने से थोड़ी पोजीशन क्लोज होती है जो खरीदा उसे ही बेचोगे ना जो बेचा उसे ही खरीदोगे जो ख़रीदा उसे ही बेचोगे तभी पोजीशन क्लोज़ होती है ये तो कॉमन सेंस हो गया ठीक है तो अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी डिलीट करता हूँ अननेसेसरी चीज़ें नहीं चाहिए कि अगर हमने यहाँ पर आ जाओ अगर हमने आज से ठीक दो महीने पहले फॉरवर्ड सेल किया था तो उसे कैंसल करने के लिए पहले तो सेल का बाय करना पड़ेगा प्लस ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कहां एक्सपायर हो रहा था जहां हम खड़े हैं यानी आज आज एक्सपायर हुआ तो आज आपको खरीदना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड स्पॉट बाय अब आप नोटिस करो स्पॉट बाय भी आज ही एक्सपायर हो रहा है आज के लिए ही रेट है ये सिर्फ और फॉरवर्ड सेल भी आज ही एक्सपायर हो रहा था केस गलती से आप ये कर लेते हो लेट से बाय तो समझ आ गया आपको कि अपोजिट लेना है आप फॉरवर्ड सेल को कवर अप करने के लिए फॉरवर्ड बाय अगर कर लेते हो और एक तरह से मान लो ये था दो महीने का और ये भी दो महीने का ले लेते हो तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये वाला फॉरवर्ड सेल एक्सपायर यहां हो रहा है और ये वाला फॉरवर्ड सेल यहां से दो महीने बाद एक्सपायर होगा फॉरवर्ड बाय तो दोनों एक डेट पे एक्सपायर हो ही नहीं रहे दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बन गए सर आप तो ऐसे काम नहीं चलेगा फॉरवर्ड सेल को फॉरवर्ड बाय से हमेशा कैंसिल नहीं किया जा सकता फॉरवर्ड लेना कि स्पॉट लेना वो डिपेंड करता है कि एक्सपायर कब हो रहा है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उसी दिन आपका नया कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन वाला एक्सपायर होना चाहिए इसीलिए ये चीज पे ध्यान देना आप देख लो यह है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दो महीने का फॉरवर्ड सेल यह है नया कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन वाला स्पॉट बाय स्पॉट में दो महीना एक महीना तो रहता नहीं ये भी यहां पे कैंसिल हो रहा है दोनों की कैंसलेशन अगर देखोगे या एक्सपायरी देखोगे तो सेम ही आ रही है बराबर ना दोनों की एक्सपायरी सेम ही आई तो कैंसिल होगा सो दो चीजें आपको याद रखना जरूरी है कि भैया कोई भी पोजीशन को कैंसिल करने के लिए अपोजिट पोजिशन लेना जरूरी है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं पहली चीज है अपोजिट पोजिशन और दूसरी चीज है सर एक्सपायरी शुड बी सेम एक्सपायरी आपकी सेम होना चाहिए सेम डेट पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने चाहिए बस इतना ही ध्यान रखना है कैंसलेशन में अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके साथ हम सॉल्व करेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर एटी फोर ध्यान देना बहुत छोटा क्वेश्चन है एक कस्टमर है जिसके साथ द बैंक हैड एंटर्ड इन टू थ्री मंथ फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने परचेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया बैंक खरीदने वाला है तीन महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो अब हम यहां पे टाइम लाइन बना लेते हैं तो आज का टाइम एक महीना दो महीना और तीन महीना ठीक है यहां जो बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो था फॉरवर्ड परचेस तीन महीने का यानी कि इसकी एक्सपायरी कब है इस डेट पे मानते हो ये यहां पे एक्सपायर हो रहा है अब दस हजार स्विस फ्रैंक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ एट द रेट ऑफ ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू फाइव यानी कि बैंक दस हजार स्विस फ्रैंक कस्टमर से बैंक दस हजार स्विस फ्रैंक कस्टमर से खरीद लेगा सत्ताइस पच्चीस पैसे में कम्स टू द बैंक आफ्टर टू मंथ्स एंड रिक्वेस्ट कैंसलेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ये अर्ली कैंसिलेशन हो गया अभी मैं आपको अर्ली कैंसले ये भी अर्ली कैंसलेशन है मैं आपको एक काम करता हूँ अर्ली कैंसिलेशन भी साथ साथ में समझा देता हूँ ठीक है एक काम करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं अर्ली कैंसलेशन भी <coughs> उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि ड्यू डेट पे कैंसलेशन के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं कैंसलेशन यही लिख लेता हूँ हेडिंग या फिर हम ना कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट हो गया और इसे नीचे सरका लेते हैं इसे भी नीचे सरका लेते हैं बिकॉज दिस इज द समरी फॉर बोथ अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके हम ये दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं कैंसलेशन बिफोर ड्यू डेट जिसको आप अर्ली कैंसलेशन बोलोगे आगे से अब वो सेम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम ठीक है सेम तो बैंक के एंगल से देखेंगे दो महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे बैंक फॉरवर्ड सेल करने वाला था दो महीने बाद अब कस्टमर ना इस पॉइंट पे बैंक के पास आता है बोलता है कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आपको दो रूल पता होने चाहिए कि सेल किया है तो पहले तो बाय करना पड़ेगा और उसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए अब आप देख सकते हो कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसलेशन के लिए लेना पड़ रहा है बाय वाला वो आज एक्सपायर नहीं होना चाहिए वो आज से ठीक एक महीने बाद एक्सपायर होना चाहिए तो बाद है यानी कि मैं क्या करूंगा फॉरवर्ड अब फॉरवर्ड सेल फॉरवर्ड बाय से कैंसिल होगा लेकिन ध्यान देना फॉरवर्ड सेल जो था मेरा वो था दो महीने का और फॉरवर्ड बाय जो मैं लूंगा वो है हो, वो होगा एक महीने का अब अगर ध्यान दोगे तो अब पिक्चर बहुत क्लियर है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है दोनों की एक्सपायरी डेट सेम आ गई दो महीने एक महीने करके तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेल ये बाय फॉर द सेम अमाउंट था यानी एक ही दिन में मैं मान लो एक लाख डॉलर जो बेचने वाला था बैंक अब एक लाख डॉलर वो खरीद लेगा उसी दिन दोनों रेट के बीच का डिफरेंस सेटल हो जाएगा सो आपको समझ में आया कि अगर अर्ली कैंसलेशन आता है तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है क्योंकि आगे की डेट के लिए आपको चाहिए होता है अगर ड्यू डेट पे ही कैंसिल करना है तो स्पॉट बस रूल इतना ही है कि सर पहले तो अपोजिट लो सेल का बाय कर दिया और दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट पे एक्सपायर होने चाहिए वो है ये इसीलिए हमें वन मंथ फॉरवर्ड लेना पड़ा अब यही रूल को मैं आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन के साथ ये हमारे रूल दोनों के लिए अप्लीकेबल है थिंग्स टू रिमेम्बर अब ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में क्या हुआ हमने कस्टमर से तीन महीने बाद स्विस फ्रैंक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थ्री मंथ्स का फॉरवर्ड परचेज था ठीक दो महीने बाद कस्टमर हमारे पास में आया और बोलता है कि मुझे कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट ध्यान देना कम्स टू द बैंक आफ्टर टू मंथ्स एंड रिक्वेस्ट करता है कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑन दिस डेट ऑन दिस डेट का मतलब दो महीने बाद के स्पॉट रेट और वहां से एक महीने का फॉरवर्ड दिया हुआ है वॉट इज द लॉस और गेन टू द कस्टमर ऑन कैंसलेशन ध्यान देना कैंसिल करना चाहता है इसका मतलब परचेस है तो सबसे पहले हमें सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपोजिट और तीन महीने का फॉरवर्ड है वो फॉरवर्ड यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे कैंसलेशन वाला एक्सपायर होना चाहिए जो कि आज से ठीक एक महीने बाद है इसलिए मैं लेता हूँ वन मंथ फॉरवर्ड ये बैंक के एंगल से सो ध्यान देना आपका प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट थ्री मंथ्स का फॉरवर्ड बाय था कैंसलेशन एक महीने के फॉरवर्ड सेल से करना है और बैंक बेचेगी बैंक का एंगल है सर ये और बैंक अगर बेचेगी तो बैंक का आस्क रेट लगेगा क्या रेट फिक्स हुआ था अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं सत्ताईस रुपये पच्चीस पैसे में हम खरीदने वाले थे सत्ताईस रुपये पच्चीस पैसे में हम खरीदने वाले थे अब एक महीने बाद का रेट देना है बेचने का बेचने का हम रेट देने वाले हैं एक महीने बाद का बेचने का रेट इज़ दिस बैंक के एंगल से बैंक बेचना चाहता है तो आज का रेट लगेगा सत्ताईस रुपये बावन पैसे आप क्लियरली देख सकते हो कि बैंक का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है और कस्टमर का नुकसान हो रहा है कैंसलेशन की वजह से तो कस्टमर नुकसान की भरपाई करेगा नुकसान कैसा है सर पहले बैंक सत्ताईस रुपये पच्चीस पैसे में खरीद रही थी एक स्विस फ्रैंक सत्ताईस रुपए बावन पैसे में बेच रही है तो बेचने का बैंक का रेट ज्यादा है तो बैंक के हिस्से में फायदा जाएगा तो लॉस किसके हिस्से में जाएगा कस्टमर के हिस्से में जाएगा लॉस टू कस्टमर पॉइंट टू सेवन सत्ताईस पैसे ऑन ईच स्विस फ्रैंक हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कस्टमर ने बैंक के साथ कितने स्विस फ्रैंक बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था दस हजार सी एच एफ दस हजार सो टोटल लॉस टू कस्टमर सत्ताईस सौ रुपए ये समझ आया क्या इम्पॉटेंट आप कस्टमर के एंगल से देखोगे तो कस्टमर सत्ताईस रुपये पच्चीस पैसे में बेचने वाला था अब उसे सत्ताईस रुपये बावन पैसे में खरीदना पड़ रहा है कस्टमर का एंगल पहले इतने में बाय करने वाला था अब सेल करने वाला है तो सॉरी पहले वो बेचने वाला था ना हमको अब वो बाय कर रहा है तो आप देख रहे हो कैंसलेशन के टाइम वो महंगे में ख़रीद रहा है बावन में तो सत्ताईस पैसे पर स्विस फ्रैंक उसको नुकसान होगा दस हज़ार पे सत्ताईस सौ का टोटल लॉस हो गया उसको आया समझ में अर्ली कैंसलेशन में यही है कि सर जो नया कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो वो सेम डेट पे एक्सपायर होना चाहिए जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव देखो एट्टी फाइव थोड़ा सा सेम है लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ ज अ बैंकर हैज एंटर इंटू अ थ्री मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप बैंकर हो आपने तीन महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया टू परचेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक लाख एक लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप परचेस करने वाले थे इसके ऊपर लिख दो बैंक परचेज करने वाले बैंक बैंकर हैड हैज एंटर कॉन्ट्रेक्ट और रेट फिक्स हो गया कि फोर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव रुपीज में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम खरीदेंगे दो महीने बाद कस्टमर हमारे पास आता है अब तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट में अगर दो महीने बाद ही कस्टमर हमारे पास आया तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ये अर्ली वाला केस है लेकिन हमें अभी नहीं पता कि वो डिलीवरी देना चाहता है अर्ली में कैंसिल करना चाहता है अर्ली वे या एक्सटेंड करना चाहता है आगे पता चलेगा दो महीने बाद कस्टमर हमारे पास आता है और बोलता है कि कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के टाइम पे सेम आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि भैया पोजीशन जो है अपोजिट होनी चाहिए दूसरा एक्सपायरी जो है सेम होनी चाहिए इतना याद रख लोगे कभी गलती नहीं होगी ऑन दिस डेट द कोटेशन ऑन दिस डेट का मतलब है दो महीने बाद के जो स्पॉट रेट और वन मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ आपको। है आपको ठीक है अब आपको बताना है चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर यानी कि लॉस बाय द कस्टमर यह है अर्ली कैंसलेशन का क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट सेम ठीक है तो अब देखो हम यानी कि बैंक पहले 47.25 में खरीदने वाला था परचेस है तो सबसे पहले तो टाइमलाइन अगर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 बैंक ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था तीन महीने का फॉरवर्ड बाय दो महीने बाद हमें कैंसिल करना है तो सबसे पहले बाय का कर दिया सेल और उसके बाद दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए सर तो ये भी यहाँ पे एक्सपायर होगा ये भी यहाँ पे एक्सपायर होगा तो ये आ गया आप देख सकते हो कि जहाँ पे एक्सपायरी डेट मैंने मार्क करी है वो आज से ठीक एक महीने बाद है तो मैं लिखूंगा वन मंथ फॉरवर्ड सेल वन मंथ फॉरवर्ड सेल ठीक है बस यही आपको यहां पे बनाना है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है सो ध्यान देना हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो था 47.25 के रेट से कि बैंक पहले 47.25 में खरीदने वाला था और अब सेल जो करना है बैंक सेल करेगा सर पहले तो एक महीने के फॉरवर्ड उसके बाद सेल करने का रेट है फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव टू डबल ज़ीरो आज का रेट लगेगा बैंक के एंगल से देख रहे हैं हम पूरा क्वेश्चन तो सत्ताईस पैसे पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है एक लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो टोटल नुकसान हो गया आपका सत्ताईस हजार रुपये का नुकसान आपका यानी कि कस्टमर का कस्टमर विल बियर दिस लॉस कस्टमर बैंक को देगा इतने पैसे तभी बैंक बोलेगा कि चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं बट इतना पैसा दे दो सत्ताईस हज़ार दे दो ना तुम एक लाख डॉलर खरीदो ना तुम वापस बेचो सेम डेट पे कोई सेंस तो बनता नहीं है कि पहले तुम बैंक आओ एक लाख डॉलर बेचो खरीद के आ, बेचो बराबर हम खरीदने वाले तुम बैंक आओ हम आपसे एक लाख डॉलर खरीदेंगे फिर बाहर जाओ पाँच मिनट रुको फिर अंदर आओ और हम आपको एक लाख डॉलर बेचेंगे मतलब तो बनता नहीं है ना इसलिए सत्ताईस हज़ार रुपये डेबिट मारो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल खत्म तभी होएगा ठीक है ये आपका क्वेश्चन हो गया सत्ताईस हज़ार रुपये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था तो अब हम इसे छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स पे ध्यान देंगे थोड़ा सा कुछ नया नया सीखना पड़ेगा ना देखो अ बैंक एंटर्स इंटू अ फॉरवर्ड परचेज टी टी कवरिंग एन एक्सपोर्ट बिल फॉर स्विस फ्रैंक वन लैक बैंक एंटर करता है फॉरवर्ड परचेज टीटी मतलब बैंक फ्यूचर में आगे की डेट पे स्विस फ्रैंक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस से खरीदेगा सर कस्टमर से खरीदेगा एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ वन लैक स्विस फ्रैंक अब ये एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन कैसे हुआ होगा मैं आपको यहां पे समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स सो इंडिया इंडिया का ही है क्या पहले एक बार देखना तो अमेरिका का इंडिया का इंडियन पार्टी आएगी ठीक है यह है बैंक ठीक है यह है एक्सपोर्टर यह भाई साहब ने क्या किया एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे किसी पार्टी को माल बेचा होगा और ये कौन सी कंट्री है स्विस फ्रैंक यानी स्विट्ज़रलैंड ठीक है तो हमारी कंट्री की करेंसी जो आती है वो है आई और स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी आती है वो है स्विस फ्रैंक, तो हम लेते हैं यहाँ पे आई एन यहाँ पर लेते हैं सी अब हमने एक्सपोर्टर ने हमने नहीं एक्सपोर्टर ने जो माल बेचा कस्टमर को वो था वन लाख स्विस फ्रैंक का ठीक है एक लाख स्विस फ्रैंक का जो माल बेचा वो यहाँ पे लिख देता हूँ तो जो बिल बनाया होगा एक्सपोर्टर ने कस्टमर को ये है क्लाइंट कस्टमर एक्सपोर्टर का एक लाख सी का बिल बनाया अब क्या होगा कि ये जो पार्टी है कस्टमर ये पैसा देगी ये पैसा देगी एक्सपोर्टर को लेकिन एक्सपोर्टर ने क्या किया ये वाला जो इन्वाइस है ये बैंक को बेच दिया यानी हमने खरीद लिया इसको बोलते बिल डिस्काउंटिंग ठीक है या इस बिल के भरोसे हमने पेमेंट करना है अब देखो क्या होने वाला है अब बैंक एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड परचेज टीटी कवरिंग एन एक्सपोर्ट बिल फॉर स्विस फ्रैंक वन लैक एट थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो कि एक लाख स्विस फ्रैंक जो हमको आने वाले हैं हमको आने वाले हैं इसको डिस्काउंटिंग मत बोलो इसको बोल दो कि बिल बेच दिया इस बिल के भरोसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या कॉन्ट्रैक्ट है ध्यान देना कस्टमर पैसा देगा एक्सपोर्टर को एक लाख सी का एक्सपोर्टर सी दे देगा बैंक को और बैंक उसके बदले में पैसे दे देगा ठीक है तो सी एच एफ एक्सपोर्टर बेचना चाहता है बैंक खरीदना चाहता है इसलिए वहां परचेज लिखा है क्योंकि बैंक के एंगल से देख रहे हैं हम तो बैंक खरीदेगा कब 25 अप्रैल को एंड कवर्ड इट सेल्फ फॉर द सेम डिलीवरी इन लोकल इंटर बैंक मार्केट बैंक रिस्क नहीं लेता सर बैंक क्या करेगा अपने ही मार्केट में दूसरी बैंक के साथ में डील कर लेगा मैं इसको थोड़ा सा आगे सरका लेता हूँ उसने क्या किया अपने ही मार्केट में दूसरी बैंक के साथ में डील कर लिया बैंक टू देखना कि यहां से सीएचएफ आएंगे लेन देन देखो क्या हो रहा है यहां से एक लाख सीएचएफ आएंगे और उसके बदले हम थर्टी क्या रेट बोल रहा था टू पॉइंट फोर जीरो का पेमेंट कर देंगे हम यानी कि बैंक तो बैंक के एंगल से देखोगे तो एक लाख सी एच एफ आ रहा है थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो रुपीज जा रहा है एक्सपोर्टर को आज से ठीक जो भी टाइम होगा पच्चीस तारीख दी हुई है पच्चीस अप्रैल ओके इसके बाद बैंक ने क्या किया आज ही आज ही खुद को कवर कर लिया इंटर बैंक मार्केट में कि देखना क्या होता है अब ये ट्रांजेक्शन बैंक अपने पे रिस्क नहीं रखना चाहता बैंक को पता चल गया ना कि यार एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर में इतने सीएचएफ आने वाले बैंक ने इंटर बैंक मार्केट में दूसरे बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें सी वो बेच देगा जितना उसको आएगा वो सी बेच देगा इसको बोलते कवर करना अब आप नोटिस करो सी एच एफ इधर से आया और इधर चला गया तो वो भी एग्जैक्ट सेम डेट पे मैंने कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया मैं तेरे से खरीद लूंगा एक्सपोर्टर के साथ और मैंने दूसरे बैंक के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तेरे को बेच दूंगा रेट भी फिक्स हो गया कि क्या रेट पे बेचेंगे वो रेट था सर थर्टी टू पॉइंट फोर टू बराबर ये देखो थर्टी टू पॉइंट फोर टू अब आप नोटिस करो तो बैंक ने अपना प्रॉफिट फिक्स कर लिया कि 32.42 में बेचूंगा 32.40 में खरीदूंगा तो दो पैसे का 02.02 .02 का फायदा होगा हर एक सी एच एफ पे इसको बोलते कवर करना अब हम टाइमलाइन बना लेते हैं यहां पे ठीक है यह पच्चीस फेब यह पच्चीस मार्च और यह है पच्चीस अप्रैल पच्चीस मई और पच्चीस जून आप बोलोगे सर आपको स्टार्टिंग की डेट कहाँ से पता चली क्योंकि क्वेश्चन में तो दी हुई नहीं है मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ क्या होता है जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पच्चीस मार्च को एक्सपोर्टर अगर आप देखोगे तो 25 मार्च को एक्सपोर्टर हमारे पास आया बैंक के पास में और उस दिन के रेट यहां पे दिए हुए ठीक है तो ये ये रेट जो दिए हुए हैं हैं उस दिन के के 25 मार्च कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका था मार्च के इसलिए हम बोल रहे हैं कि मार्च के पहले का जो कॉन्ट्रैक्टलीस्ट पच्चीस फेब का तो होगा उसके पहले और क्या होगा एक महीना तो हमने पच्चीस फेब से शुरुआत की पच्चीस मार्च से मत शुरुआत करना क्योंकि मार्च से शुरुआत करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट भी उसी दिन किया और कैंसलेशन भी उसी दिन के लिए बोल रहे हो आज ही कॉन्ट्रैक्ट किया बाहर गया मन बदल गया वापस आया बोले कैंसिल करना है ऐसा नहीं थोड़ा सा पहले का टाइम लोगे ठीक है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है मार्च के बाद वन मंथ कब आता है अप्रैल तो ओके विथ इट अब ध्यान देना क्या हुआ ये बैंक है हमारी अब हमारे पास कस्टमर आया था पच्चीस फेब को एक्सपोर्टर वो बोला कि मैं आपको आज से ठीक दो महीने बाद सी एच एफ ला दे दूँगा रेट फिक्स कर लिया थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो बैंक बोला कि ठीक है इतने रुपए में एक सी एच एफ हम खरीद लेंगे बैंक को पता चल गया ना कि पच्चीस अप्रैल बाद एक लाख सी एच एफ आने वाले हैं बैंक ने क्या किया उसी दिन दूसरे बैंक के साथ टाई अप कर लिया यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपसे 32.42 आपको मैं 32.442 के रेट से मैं सी एच एफ बेच दूंगा तो सी एच एफ आया सी एच एफ गया 32.42 आएगा और 32.40 जाएगा तो दो पैसे का फायदा है ठीक है तो बैंक एंगल से अगर मैं बोलूं तो बैंक ने कस्टमर के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको बोलते हैं दो महीने का फॉरवर्ड बाय और इंटरबैंक मार्केट में उसने किया दो महीने का फॉरवर्ड सेल sell. तो सेलिंग रेट कभी भी ज्यादा रहेगा ना फायदा होने वाला ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा अब आगे क्या हुआ ये सारा का सारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ यहां पे लेकिन मार्च को एक्सपोर्टर हमारे पास आता है बोलता है मेरे को कैंसिल करना है उसके साथ कैंसिल करना है तो सबसे पहले उसके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर हो रहा है उसी के अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना पड़ेगा कैंसलेशन के लिए अब ध्यान देना क्या होता है ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च एक्सपोर्टर सॉट फॉर कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज द टेनर ऑफ द बिल इज चेंज बिल का टेनर चेंज हो गया तो मेरे को कैंसिल करना है अब उस दिन सिंगापुर मार्केट में स्विस फ्रैंक कोटेड है अगेंस्ट डॉलर ध्यान देना सिंगापुर मार्केट में स्विस फ्रैंक डॉलर के लिए कोटेड है तीनों करेंसी अलग है सिंगापुर डॉलर अलग यूएस डॉलर अलग स्विस फ्रैंक अलग ठीक है कोई बात नहीं मार्च में आपको स्पॉट रेट एक महीने का फॉरवर्ड दो महीने का फॉरवर्ड तीन महीने का फॉरवर्ड दिया हुआ है एंड इन द इंटरबैंक मार्केट यूएस डॉलर वेयर कोटेड एट दिस ये इंटरबैंक मार्केट दिया उसने मतलब ये इंटरबैंक मार्केट नहीं है ये कस्टमर को लगाया जा सकता है डायरेक्टली ये इंटरबैंक मार्केट है यूएसडी आईएनआर का कैलकुलेट द कैंसलेशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर अगर एक्सचेंज का जो मार्जिन है इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक इज़ पॉइंट वन जीरो परसेंट ऑन बाइंग एंड सेलिंग क्योंकि ये कस्टमर को लगाया जाने वाला रेट नहीं है मर्चेंट रेट नहीं है ये रेट पे मार्जिन एडलेस करके कस्टमर को दिया जाएगा आपको बताना है कि कौन सा रेट कैंसलेशन के लिए लगेगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये समझने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर यानी बैंक और एक्सपोर्टर के बीच में रेट को कैंसिल करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था दो महीने का फॉरवर्ड बाय इसको कैंसिल कैसे करोगे यहाँ पे कैंसिल करना है तो पहला तो सेल करो बाय कॉन्ट्रैक्ट था ना बैंक के एंगल से बैंक खरीदने वाला था अब बैंक बेचेगा क्या आज ही बेचना है नहीं सर आज से ठीक एक महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो वन मंथ का फॉरवर्ड सेल लेना पड़ेगा बैंक कोट करेगा सीएचएफ के लिए बट सी एच एफ का आई एन आर के अगेंस्ट में डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है वो निकालना पड़ेगा निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है वन मंथ तो ये वाले रेट्स अप्लीकेबल है और ये वाले रेट्स अप्लीकेबल है इतना आया समझ में आपको ये दो रेट्स वन मंथ हमने लिया स्पॉट में तो नहीं करना मार्च के मार्च में कैंसिल तो करना है नहीं ठीक है बट ध्यान देना ये रेट्स लेने के पहले ये तो मर्चेंट रेट है और ये इंटरबैंक रेट है तो मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट ऐसे ऐड नहीं कर सकते आपको उसमें मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा उसके बाद आपका मर्चेंट रेट आएगा और ये मर्चेंट रेट और ये मर्चेंट रेट के साथ क्रॉस रेट निकालोगे और फिर वो क्रॉस रेट लगाओगे आपके कॉन्ट्रैक्ट रेट पे जो थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो का कस्टमर के साथ किया था देखो एक एक करके मैं समझाता हूं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो था थ्री मंथ्स का फॉरवर्ड बाय क्योंकि हम खरीदने वाले थे कस्टम एक्सपोर्टर बेचने वाला था कैंसलेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लोगे क्योंकि आज मार्च में खड़ा है थ्री मंथ्स नहीं टू मंथ्स था आई थिंक यस तो ये टू मंथ्स का फर्क नहीं पड़ता आज सच क्योंकि उससे कोई चेंज नहीं आएगा उसके लिए हम पहले तो बाय का सेल करेंगे और एक महीने बाद करना है इसलिए फॉरवर्ड लेंगे ये रेट पे हम खरीदने वाले थे बैंक एक लाख सीएचएफ खरीदने वाला था क्या रेट पे एक लाख सीएचएफ बेचेगा ये निकालना आपको ठीक है अब यहां पे जगह छोड़ देते हैं फॉरवर्ड सेल के लिए हमें जो रेट चाहिए वो है सर आपका किस भाषा में दिया हुआ है यहां पे ठीक है आपको जो रेट चाहिए वो है सीएचएफ आई एन आर अगर आई कोड में बात करना है तो अदरवाइज आप रुपीज पर सी ऐसा भी लिख सकते हो ठीक है बैंक बेचना चाहती है ध्यान देना यह बैंक के एंगल से क्वेश्चन चल रहा है बैंक बेचना चाहती है तो बैंक का आस्क रेट लगेगा ठीक है तो आप क्रॉस रेट क्या इक्वेशन बनाते आस्क ऑफ सी एच एफ आई एन आर ज इक्वल टू आस्क ऑफ सी एच एफ यूएसडी मल्टीप्लाइड बाई यूएसडी आई एन आर ये आपको पता है कि एक अगर आस्क निकालना है तो बाकी सब आस्क होना और सी एच एफ पहले लिखा है तो इधर भी पहले होना आई एन आर यहां पर आखिरी लिखा है तो आई एन आर आखिरी में होना और बीच में वो करेंसी ले सकते हो जिसे कैंसिल करना है वो हो गया यूएसडी ठीक है अब आस्क ऑफ सी एच एफ यूएसडी हम उठा सकते हैं डायरेक्टली मार्केट में रेट दिया हुआ है आस्क ऑफ सी एच एफ यू हम इसे मर्चेंट रेट मानेंगे क्योंकि इंटर बैंक सिर्फ अलग से लिखा है इसके लिए तो इसे हम मर्चेंट रेट मानेंगे आस्क लेना है वन पॉइंट फाइव वन सिक्स जीरो आ रहा है देख रहे हो वहां पे वन पॉइंट फाइव वन सिक्स जीरो आस्क लेकिन सी एच एफ यू एस डी है क्या क्वेश्चन इज दैट वो सी एच एफ यू एस डी नहीं है वहां पे यू एस डी बेस करेंसी है तो आपको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है सर यहाँ पे जो कोटेशन आपको दिया हुआ है वो है यू एस डी सी एच एफ जहाँ पे यू एस डी इज द बेस करेंसी हमें क्या चाहिए हमें सी एच एफ बेस करेंसी चाहिए तो हम हमारी रिक्वायरमेंट को बदलेंगे इनवर्स करके वन बाय बिड ऑफ यू एस डी सी एच एफ अब सही है इन टू आस्क वाला तो आपको दिया हुआ है वन बाय बेड उठाएंगे अब हम यूएसडी सी एच एफ का वन मंथ का ध्यान देना वन मंथ का क्लियरली मैंने यहां पे लिखा है वन मंथ का फॉरवर्ड तो वो हो गया वन पॉइंट फाइव वन फाइव जीरो उठा लिया दूसरा क्या आप आस्क ऑफ यूएसडी आई एन आर ले सकते हो डायरेक्टली आपको यूएसडी आई एन आर में ही क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन नहीं ले सकते रीजन बताऊँ क्या क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है इंटर बैंक रेट और आपने एक्सपोर्टर को रेट देना है यानी कि मर्चेंट रेट देना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मर्चेंट रेट निकालूंगा आस्क ऑफ यूएसडी आई एन आर मर्चेंट रेट यहाँ हम ऐसा लिखेंगे इंटरबैंक रेट एड मार्जिन तो आता है मर्चेंट रेट सो इंटर बैंक रेट्स जो दिए हुए हैं वो आपको ऐसे दिया हुआ है इसको भी आपको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ वन मंथ फॉरवर्ड वाले मर्चेंट रेट ठीक है अब यहाँ पे आप लिखोगे पहले तो स्पॉट रेट वो भी काई के लिए यू एस डी आई एन आर ध्यान देना आपने यहाँ पे लिखा स्पॉट रेट स्पॉट रेट ले लो फोर्टी नाइन पॉइंट फोर थ्री जीरो टू 49.4302 और उसके बाद आपने ले लिया 49.4455 इसके बाद स्वैप पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे तो आप स्वैप पॉइंट्स एक महीने के ऐड करोगे अब ऐड करना है कि लेस ये हम देखेंगे आप नोटिस करोगे असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप पॉइंट्स है तो मैं ले लूँगा पॉइंट फोर वन डबल ज़ीरो पॉइंट फोर टू डबल ज़ीरो इससे मेरे को फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में है तो ऐड करूंगा फोर्टी नाइन पॉइंट एट फोर ज़ीरो टू फोर्टी नाइन पॉइंट एट सिक्स फाइव फाइव बराबर आगे बट ये रेट में नहीं उठा सकता बिकॉज यहाँ तक सारे रेट अपने इंटर बैंक रेट थे यहाँ तक जितने भी आप देख रहे हो चीज़ें ये इंटर बैंक रेट है यानी बैंक का बैंक के साथ अगर डील करना है सिर्फ तो ही आपको मर्चेंट रेट में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा और मार्जिन कितना है क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि पॉइंट वन जीरो परसेंट का मार्जिन होना बाइंग और सेलिंग दोनों पे तो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे एट पॉइंट वन जीरो परसेंट अब इसका पॉइंट वन ज़ीरो परसेंट निकालो चार डेसिमल में वो आ गया पॉइंट ज़ीरो फोर नाइन एट और पॉइंट जीरो फोर नाइन नाइन आगे क्वेश्चन <coughs> आता है कि अब ऐड करोगे कि लेस करोगे ये मैंने आपको एक बार बताया था इसमें लेस होगा इसमें ऐड होगा आस्क में ऐड होता है बिड में लेस होता है मार्जिन बैंक का ये प्रॉफिट है सर एक्सचेंज मार्जिन जो है ना ये प्रॉफिट है और प्रॉफ़िट हमेशा बैंक लेती है सो ध्यान देना मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में को समझने की कोशिश करो कि बैंक इस रेट पे क्या ख़रीदता है फॉरेन करेंसी खरीदेगा और फोर्टी नाइन पॉइंट एट फोर देगा तो फोर्टी नाइन पॉइंट एट फोर बैंक के लिए नोटिस करोगे तो 49.84 बैंक के जेब से तो जाएगा ना सर तभी तो एक सीएचएफ आएगा और दूसरे रेट पे बैंक सी एच एफ बेचती है सी एच एफ बेचती है और वो पैसा लेती है तो बैंक के जेब में ये पैसा आता है बेचने के बाद सो so, बैंक के लिए रेट इज द इनफ्लो बिड रेट इज द आउटफ्लो बट मार्जिन इन बोथ द केसेस शुड बी इनफ्लो टू द बैंक बिकॉज इट इज द बैंक्स प्रॉफिट तो आप देख लो जहां पे इनफ्लो इनफ्लो आ रहा है वो पॉइंट हम ऐड करेंगे जहां पे आउटफ्लो इनफ्लो आ रहा है वो पॉइंट हम माइनस करेंगे इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं बिड में मार्जिन माइनस होगा आस्क में ऐड होगा चलो करो तो आंसर आता है फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन नाइन जीरो फोर और ये वाला आएगा फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन वन फाइव फोर ठीक है आ गया मार्जिन के साथ अब आपको क्या उठाना है ये है आपके फाइनल रेट मर्चेंट रेट यूएसडी सी का हमने ऑलरेडी मर्चेंट रेट मान के चले क्योंकि वहां इंटरबैंक वर्ड यूज नहीं किया था तो हमने मान के चला कि यूएसडी सी मर्चेंट ही होगा इसलिए 1.5150 ले लिया अब आपको क्या चाहिए सर आस्क चाहिए यू एस का तो ये लोगे आप पहले तो ये यू एस है उसके बाद आस्क चाहिए तो 49.9154 करो 49.9154 अब आप फाइनल रेट निकालोगे जो कस्टमर को लगेगा वो है 32.9475 ये रेट पे हम कस्टमर को सी एच एफ बेच देंगे सर कैंसलेशन के लिए अब वापस आता हूँ इस पर दो महीने बाद बैंक इस रेट पे कस्टमर से खरीदने वाला था ध्यान देना खरीदने वाला था सी एच एफ स्विस फ्रैंक अब इस रेट पे बेचेंगे तो बैंक को फ़ायदा है क्योंकि ज़्यादा रेट है देखो यहाँ पे <coughs> मैं अब नीचे लिख लेता हूं कैंसलेशन चार्जेस फॉरवर्ड बाय था बैंक के लिए पहले थर्टी टू पॉइंट फोर ज़ीरो बैंक अब फॉरवर्ड में सेल करेगी बट ध्यान देना ये दो महीने बाद का था ये एक महीने बाद का था दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम पे एक्सपायर हो रहे थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर सेवन फाइव आप बैंक का प्रॉफिट बोलो या लॉस टू कस्टमर बोलो ऑन हर सी एच एफ दैट इज पॉइंट फाइव फोर सेवन फाइव का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी थी सर एक लाख सी एच एफ सो दैट इज फिफ्टी फोर थाउजेंड सेवन फिफ्टी कैंसलेशन चार्जेस या आप बोलो चार्जेस पेबल बाय कस्टमर एक्सपोर्टर सही रहेगा क्योंकि एक्सपोर्टर ने हमारे साथ में डील किया था अगर उसे कैंसिल ही करना है तो ये रेट फाइनल उसका लगेगा आया क्या समझ में हमने वही किया सर कैंसिल ही तो करना था कैंसल करते समय सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखना है दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसी की एक्सपायरी की डेट पे नया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल एक्सपायर होना चाहिए और बाय है तो सेल करना है है तो सेल करना है बस हमने वही किया तो कस्टमर के साथ ही हमको कैंसिल करना था कैंसिल हुआ फिफ्टी फोर सेवन फिफ्टी पे करके अब अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसका क्या हुआ ये जो कवर रेट लिया था इसका हुआ क्या ये भी कंसिडर हो चुका है इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको कैसे सर क्वेश्चन इज दिस बैंक का दो पैसे का प्रॉफिट होना था एक लाख पे यानी कि दो हज़ार का प्रॉफ़िट होना बनता था रुपए का बैंक क्या करेगा ध्यान देना उसी पॉइंट पे बैंक भी इंटरबैंक मार्केट में खुद का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बैठ जाएगा और उसके ट्रांजेक्शन क्या होंगे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछी पहले तो हम आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है फिफ्टी फोर सेवन फिफ्टी आपको समझ में आ गया यहां पे कहीं पे भी कवर वाली बात नहीं करी गई कि बैंक ने जो कवर किया था खुद को उसका क्या हुआ देखो अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूं वॉट हैपन्ड टू कवर कॉन्ट्रैक्ट <laughs> ये इंटर बैंक मार्केट और एक्सपोर्टर को हम एक गोले के रूप में ले लेते हैं ठीक है यह है बैंक ओरिजिनल बैंक जिसके साथ हम डील कर रहे हैं यह है एक्सपोर्टर और यह है बैंक टू ठीक है देखना अब क्या हुआ सबसे पहले तो मैं बैंक और कस्टमर वाले ट्रांजेक्शन लिख लेता हूँ कस्टमर ने पहले प्रॉमिस किया था कि वो एक लाख सी हमें देगा दो महीने बाद हमने भी वादा कर दिया उसको कि हम भी भाई आपको थर्टी टू पॉइंट फोर ज़ीरो के रेट से पैसे दे देंगे तो हम आई कितने देने वाले थे उसको थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो पर सीएचएफ इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बारी आई तो कैंसलेशन में उल्टा कॉन्ट्रैक्ट किया हमने बाई की जगह अब हमने बैंक ने किया कि भैया हम आपको बेच देंगे क्या बेचेंगे एक लाख सी बेच देंगे और आपसे रुपए ले लेंगे तो देखना आप से रुपए ले लेंगे इधर में और सी एच एफ दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से हुआ कि एक लाख सी एच एफ अब हम आपको बेचेंगे और रेट जो डिसाइड हुआ वो था ये वाला थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर सेवन फाइव ठीक है अब अगर आप नोटिस करोगे तो एक लाख सी एच एफ हमारे पास आया एक लाख सी एच एफ हमारे से गया कहानी ख़त्म आई एन आर में अगर आप देखोगे तो थर्टी टू पॉइंट फोर ज़ीरो बैंक से जा रहा है और थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर सेवन फाइव बैंक में आ रहा है तो ये कस्टमर का नुकसान है हमारा फ़ायदा कस्टमर के एंगल से देखो तो सिर्फ बत्तीस रुपये चालीस पैसे ले रहा है और थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर सेवन फाइव दे रहा है तो कस्टमर का नुकसान था कस्टमर का नुकसान इन दोनों से पता चल गया वो आ रहा था सर आपका पॉइंट फाइव फ़ोर सेवन फाइव अब आपको चीज़ें समझ में आएगी और वो आपने कैलकुलेशन किया एक लाख की वैल्यू पर तो वो आया फिफ्टी ठीक है अब आप बैंक का इंटर बैंक मार्केट में ट्रांजेक्शन देखो ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था दो महीने पहले इसको बैंक ने इंटर बैंक मार्केट में कवर कर लिया था कि अब ये वाली बैंक दूसरे बैंक को ठीक दो महीने बाद सीएचएफ देगी दे दे और आई एन आर ले लेगी तो क्या रेट फिक्स हुआ था कि हम सी एच एफ दे देंगे एक लाख हमारा फॉरवर्ड सेल था इस बैंक के साथ में और हम थर्टी टू पॉइंट टू आई एन आर ले लेंगे यह कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था अब एक महीने बाद एक्सपोर्टर ने आके अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया तो हमें भी दूसरे बैंक के साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा तो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे एंगल से क्या था ध्यान देना बैंक के एंगल से देखना अब अगर आप देख रहे हो तो आप वैसे देखा जाए तो इसके एंगल से देखना चाहिए एक्सचेंज रेट इसके एंगल से लोगे आप बट चलो इसके एंगल से फिलहाल देखते हैं फॉरवर्ड सेल था क्योंकि एक्सपोर्टर के साथ में वो फॉरवर्ड बाय था इसलिए हमने बैंक टू के साथ में फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अब बैंक टू के साथ में फॉरवर्ड सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल करना है तो हमें भी फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा यानी कि हम आईएनआर दे, दे देंगे और सीएचएफ ले लेंगे ठीक है अब आप देखो क्या होता है एक्सचेंज रेट उठाने अपन को हम सीएचएफ खरीदना चाहते हैं फॉरवर्ड बाय करना चाहते हैं ना कैंसल करने के लिए हम सीएचएफ खरीदना चाहते हैं ये बैंक बेचेगी तो आस्क रेट लगेगा सीएचएफ का आई एनआर के अगेंस्ट में आस्क रेट लगेगा इंटर बैंक मार्केट में बराबर है कभी भी अगर इन दोनों के बीच रेट देख रहे हो तो इस बैंक के एंगल से देखे जाएंगे और अगर इन दोनों के बीच रेट देख, रेट देख रहे हो तो इस बैंक के एंगल से देखे जाएंगे हम हमारी जो बैंक है वो सी एच एफ खरीदना चाहती है तो बैंक टू बेचना चाहती है आस्क रेट लगे, लगेगा सर वही रेट था ये वाला थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर सेवन फाइव लेकिन थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर सेवन फाइव में इस बैंक का एक्सपोर्टर के लिए मार्जिन इंक्लूडेड है बैंक इंटर बैंक मार्केट में मार्जिन की जरूरत है क्या नहीं जरूरत तो आपको इंटरबैंक मार्केट में यही इक्वेशन चाहिए था बिना किसी मार्जिन के सिर्फ मार्जिन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं तो आप यहां पर रुक सकते थे बिना मार्जिन के यानी कि यहां पे 49.8655 मैं अलग इसकी वो कर देता हूं हाईलाइटिंग ये रहा ये है इंटरबैंक का रेट 49.8655 हालांकि 1.5150 में मार्जिन इंक्लूडेड है हमने माना और मार्जिन एक्सक्लूड करने का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे यहाँ पे तो ये लेके चलना पड़ेगा अब देखो क्या होता इंटर बैंक के लिए ये एक्सपोर्टर के लिए रेट था इंटर बैंक के लिए मैं रेट ये ये वाला डाल देता हूँ तो अब हमको इंटर बैंक का रेट पता चल जाएगा देखो कैसे आस्क रेट में अगर मैंने निकाला आस्क ऑफ यू ध्यान देना तो मैं कुछ इस तरह से करता मार्जिन के जस्ट पहले वाली फिगर लेता जो कि मेरे को दूसरे बैंक से मिल रहा था 49.8655 डिवाइडेड बाय 1.5150 क्योंकि क्रॉस रेट निकालना है अब आपको पता चल जाएगा कि दूसरे बैंक से खरीदने का सी का रेट क्या था 32.9145 ठीक है तो यहां पे हमको रेट लगेगा आई एन आर थर्टी टू पॉइंट नाइन वन फोर फाइव ठीक है अब देखो अब अगर आप देखोगे कि हमारी बैंक को दूसरे बैंक के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए भी नुकसान हो रहा है कितने का नुकसान हो रहा है सर थर्टी टू पॉइंट फोर टू लिए थर्टी टू पॉइंट दिए सो थर्टी टू पॉइंट नाइन वन फोर फाइव दिए थर्टी थर्टी टू पॉइंट फोर टू लिए तो हमको नुकसान हुआ वो अमाउंट थी पॉइंट फोर नाइन फोर फाइव तो एक लाख सी पे वो आता है फोर्टी नाइन थाउजेंड फ़ोर फिफ्टी अब आप मुझे बताओ ये बैंक को जो नुकसान हुआ है फ़ोर्टी नाइन फ़ोर फिफ्टी का ये कहाँ से रिकवर करेंगे पहली बात तो ये बैंक को इंटरबैंक मार्केट में जो नुकसान हुआ वो एक्सपोर्टर की वजह से हुआ तो जायद सी बात है कि ये पैसा एक्सपोर्टर से लेना बनता है और हमने लिया है दिस फोर्टी नाइन फोर फिफ्टी इज़ इंक्लूडेड इन दिस फिफ्टी फ़ोर सेवन फिफ्टी जो हमने लिया अब मैं इसका फिफ्टी फ़ोर सेवन फ़िफ्टी के तीन हिस्से करके दिखाता हूँ ध्यान देना ये जो फिफ्टी फोर सेवन फिफ्टी हमने कस्टमर से लिया इसके अंदर में तीन हिस्से हैं सर प्रॉफिट जो हमको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला था फिर लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ इंटर बैंक कॉन्ट्रैक्ट भैया तेरी वजह से जो मैंने इंटर बैंक मार्केट में पोजिशन ले रखी थी वो क्लोज करनी पड़ी और वहां मुझे जो नुकसान हुआ वो भी मैं तुझसे ही लूंगा क्योंकि तूने आके मेरे पास में कैंसिल किया तीसरा मार्जिन ऑन मार्जिन ऑन आप डॉलर बोल सकते हो जो डॉलर के लिए एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन करना पड़ा वो उतना सा मार्जिन ये तीनों की टोटल विल बी फिफ्टी फोर सेवन फिफ्टी ध्यान देना सबसे पहले एक अमाउंट तो आपको पता चल गई वो है सर फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर फिफ्टी तो जो हमें कहीं और नुकसान हुआ है वो हम एक्सपोर्टर से ले रहे हैं इसके बाद ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहोगे दैट विल बी टू वो मैं बताता हूँ कैसे एक लाख 32.42 में बेच के 32.40 में खरीद के आप एक लाख सी पे इतना कमाने वाले थे अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है एक्सपोर्टर तो हमारा प्रॉफिट का नुकसान होना चाहिए क्या नहीं यह प्रॉफिट का जितना भी नुकसान हो रहा है हम रिकवर कर लेंगे आप अगर देखोगे तो ओरिजिनल क्या था सर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया फोर्टी टू में बेचने वाला था फोर्टी में खरीदने वाला था तो तो ये दो का तो प्रॉफिट बनता है ये मैं ले लूंगा इसके बाद बचा सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मार्जिन कितना आ रहा है आप देख लो यहां पे। आ, ये रहा। ये है मार्जिन मनी पॉइंट जीरो फोर नाइन नाइन का रुपीज का मार्जिन हमारी कमाई है हर डॉलर पे हर डॉलर पे तो पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा एक लाख सी एच एफ के लिए डॉलर कितने ये। एक लाख सीएचएफ के लिए वन पॉइंट फाइव वन फाइव जीरो अपन को निकालना पड़ेगा वन पॉइंट फाइव वन फाइव जीरो क्या है सर सी एच एफ है एक डॉलर के लिए सी एच एफ है एक डॉलर के लिए तो देखो अब क्या होगा पहले तो इक्वी वैलेंट डॉलर निकालता हूं वन लैख डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव वन फाइव जीरो डॉलर आते सिक्सटी सिक्स जीरो जीरो सेवन डॉलर थोड़ा राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा इतने डॉलर में हमने डील किया उस पर हम मार्जिन कमा रहे हैं कितना रुपए का पॉइंट जीरो फोर नाइन नाइन का तो इसको मल्टीप्लाई करो पॉइंट जीरो फोर नाइन नाइन का पॉइंट जीरो फोर नाइन नाइन हर डॉलर पे हमारी कमाई है तो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड कितनी तो ये आ गया सर तीन हजार थ्री टू नाइन फोर तो ये आ गया तीन हजार दो फोर आ गया अब तीनों का टोटल करो थ्री टू नाइन फोर यार पॉइंट जीरो फाइव भी अगर आप लगा लोगे ना तो भी एग्जैक्ट आंसर आता थर्टी थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री टू नाइन फोर ले लेते हैं अब आप इन तीनों का प्रॉफिट लगाओ टोटल लगाओ दो हज़ार प्लस फोर्टी नाइन फोर फिफ्टी प्लस थ्री टू नाइन फोर वो आंसर आता है आपका ध्यान देना सर बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे फिफ्टी फोर सेवन फोर नोटिस करो ज़रा सा ये वाली फिगर और ये वाली फिगर में सिर्फ छः रुपए का डिफरेंस है राउंडिंग ऑफ की वजह से तो अगर आपको लगता है कि जो हमने कैंसलेशन चार्जेस एक्सपोर्टर से लिए है उसमें यह वाला नुकसान इंक्लूडेड नहीं है तो गलत है आप इंक्लूडेड है हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट दो हजार का ही होता है पचपन हजार रुपए लेने के बाद में भी एक्सपोर्टर से कोई हमारा फायदा नहीं है पचपन हज़ार का फिफ्टी फोर थाउजेंड जो हमने लिया एक्सपोर्टर से वो हमारा पूरा फायदा नहीं है उसमें सिर्फ दो हजार रुपये हमारा फायदा है फोर्टी नाइन थाउजेंड तो कहीं और का लॉस यहां से रिकवर किया प्लस मार्जिन है हमारा थ्री टू नाइन फोर जो कि ट्रांजेक्शन वैसे भी करते तो डॉलर पे देना पड़ता तो इस कॉन्ट्रैक्ट से जितना कमाना था हमने उतना ही कमाया उसके अलावा कुछ और करा तो उससे कमाया जैसे थ्री टू नाइन फोर बाकी वो फोर्टी नाइन फोर फिफ्टी जो मेजर अमाउंट है वो आपने रिकवर किया क्योंकि उतना लॉस आपको कहीं और हो रहा है एक्सपोर्टर की वजह से आया क्या समझ में आपको ये तीन चीजें इंक्लूडेड आगे भी बताऊंगा इसीलिए इसीलिए इस ट्रांजेक्शन का कुछ भी दिखाने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है आप बोलोगे ना कि यार बैंक का इंटरबैंक में कितना लॉस हुआ वो कितना रिकवर करना है दिखाओ नहीं दिखाने की जरूरत क्योंकि फिफ्टी फोर जो हमने निकाला उसमें इंक्लूडेड है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बड़ा क्वेश्चन था लेकिन मज़ेदारी में बीत गया सीखा हमने इसमें से कुछ अब ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे आगे सो दिस वॉज़ सर क्वेश्चन नंबर 86 सिक्स अब एटी सेवन में भी कैंसलेशन है और वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ क्योंकि वो ड्यूडेट पे है। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क कर लो इसमें वो भी नहीं है क्या कहते क्रॉस रेट तो है ही नहीं तो ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ एट्टी सेवन वाला अब आती है बारी एक्सटेंशन की एट्टी एट की ठीक है अब एक्सटेंशन की बारी आएगी तो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद में एक दो तीन हो गए ना चौथा और पांचवा चीज़ बताता हूँ वो भी बहुत अच्छा है एक्सटेंशन बिफ़ोर ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट बहुत आसानी से निकल जाएगा देखिए सर आते हैं ब्रेक के बाद